हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और मैं नागमणि कुमार, आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो रेलवे में है, इंडियन रेलवे में रेलवे जो फाटक होता है, गेट होता है, उसको क्यों हटाया जा रहा है और उसके फ़ायदे क्यों हैं। और भारत सरकार ने लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितने गेट हैं सबको हटा रहे हैं, तो मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो फाटक होता है, रेलवे फाटक, वो एक मैंड होता है, एक अनमैंड होता है। मतलब मैंड जो रेलवे होता है, एलसी गेट, वहाँ पे गेटमैन होता है और गेट लगे रहते हैं, बूम लगा रहता है, और वो जब ट्रेन आती है तो उसको लगाया जाता है, और जब ट्रेन चली जाती है तो उसको ओपन किया जाता है। और एक होता है अनमैंड होता है, वो वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो काफ़ी रिस्की होता है। तो दो तरह के होते हैं, बट आज के दौर में गेट को हटाया जा रहा है और ये बहुत बड़ी योजना है। रेलवे फाटक जो एलसी गेट है, गेट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक के हिसाब से होता है, जहाँ जितना ट्रैफिक, मतलब यातायात का ट्रैफिक होता है, उसके हिसाब से गेट को निर्धारित किया जाता है, मतलब उसको नाम दिया जाता है। तो गेट जैसे दो रेलवे स्टेशन है, तो इंडियन रेलवे मैक्सिमम दो स्टेशन का दूरी 8 से 11-12 किलोमीटर के बीच होता है, तो उसके बीच मिनिमम दो गेट होते हैं, मिनिमम, और मैक्सिमम 3 गेट होते हैं, मतलब ज़्यादातर जगह पे। बट आजकल जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको हटा रही है, तो उसके देखिए रीज़न है। सबसे पहला क्या है, जो रेलवे को स्पीड, जैसे अगर गेट हटा देंगे तो ट्रेन, जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, जो मतलब ट्रेन आजकल 160 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, तो जब गेट आता है बीच में तो उस समय दिक्कत होती है और ऑपरेशन में दिक्कत होता है। कभी कभी गेट खुला हो जाता रह जाता है, कभी कभी वहाँ पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इसलिए गेट को हटाया जा रहा है। कि पहला फ़ायदा यह है कि ट्रेन का स्पीड बढ़े, दूसरा है कि जब दुर्घटना कम होगा, और जो गेट हटाएंगे उसके जगह पे वहाँ पे ओवर, मतलब ऊपर से ब्रिज बनाते हैं या फिर नीचे से अंडरपास बनाते हैं, दो तरह के प्रोविज़न है। क्योंकि वहाँ पे गेट वहीं पे होता है जहाँ पे या तो गांव होती है यहाँ पे, या फिर चालू सड़कें होती है, तो वहाँ पे ROB या RUB बनाया जाता है। और उसके फायदे हैं कि स्पीड बढ़ेगा और दुर्घटनाएं कम होंगी, और फिर जो गेटमैन हटा दिया जाएगा तो वहाँ पे गेटमैन नहीं रहेंगे, तो गवर्नमेंट के लॉन्ग टाइम में खर्च भी कम होगा। और हाई स्पीड ट्रेन के लिए गेट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया एलसी गेट क्यों हटाया जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, और रेलवे से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, इसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और बहुत सारे वीडियो और बनाया जाएगा, और इसमें रेलवे से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको दी जाएगी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और न्यूज़ से रिलेटेड रेलवे का। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट्स। सो थैंक्स फ्रेंड।